हेलो फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस होल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सेल्फ केयर जीगो सिंबल के बारे में बताऊंगी। इसके लिए हम कलर यूज कर सकते हैं ग्रीन, क्रिस्टल यूज कर सकते हैं टर्कोइश। इसे बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह, देन डाउन में कर्व, देन अप, देन यहाँ से अगेन कर्व ले जाके यहाँ पे कम्प्लीट होगा। ये सिंबल बहुत हेल्पफुल है फॉर लाइट वर्कर्स। लाइट वर्कर्स यानी वो लोग जो किसी न किसी रूप में दूसरे लोगों के लाइफ में जो है लाइट स्प्रेड करने का काम करते हैं, या फिर मैनकाइंड को हेल्प करने, उनका ब्रॉडर व्यू रहता है टू हेल्प द मैनकाइंड, एंड कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं जिससे कि इस सोसाइटी में सबको, लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, सो यदि आप लाइट वर्कर्स हैं तो ये सिंबल आप डेली बेसिस पे यूज करिए, बिकॉज ये सिंबल यूज करने से आप जब आप लाइट स्प्रेड करते हैं सो आप दूसरों की लाइफ को तो लाइटनेस से स्प्रेड कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, पर आपको खुद की लाइफ में भी वो लाइट कंटिन्यूस रखनी है। क्या हो जाता है, कई बार हम दूसरों को लाइट देते हैं या हेल्प करते हैं, बट वही व्यू हमारे खुद के तरफ भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी या आप उतने फोकस नहीं रहोगे। सो ये सिंपल यूज करने से आप खुद की मीन्स केयर करना अच्छे से कर सकते हैं, देन और जितना आप दूसरों के लाइफ में स्प्रेड करना चाह रहे हैं लाइफ, उसे और फुलनेस के साथ स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एज क्या हो जाता है कि जब आप गिवर हैं, कुछ लोग होते हैं जो गिवर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टेकर होते हैं। यदि आप गिवर हैं सो आपको कई बार ध्यान नहीं रहता है कि आप देते जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद को भी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो है ड्रेन आउट फील करोगे, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली, किसी न किसी लेवल पे आप डाउन फील करने लगोगे या ड्रेन आउट फील करने लगोगे। एज हर सोल का जो है एक फिजिकल कंटेनर भगवान ने दिया हुआ है, मीन्स हमारी बॉडी एक्चुअली क्या है, एक फिजिकल कंटेनर है। ठीक है, तो और एक सेक्रेट टेम्पल की तरह, जहाँ हम सारे अपने पॉजिटिविटी एंड जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब हम सेक्रेट रूप से प्रिजर्व करके रखते हैं। सो उसे कंटिन्यूस बरकरार रखना है विथ लव एंड लाइट। हमारे सोल में एज वेल एज हमारे फिजिकल अपीयरेंस में वो लव और लाइट का प्रेजेंस जो है कंटिन्यू रहना है, प्लस बढ़ते रहना, उसके लिए ये सिंबल बहुत हेल्पफुल है। एंड इस सिंबल को आप घर के अलग अलग एरिया में प्लेस करके रख सकते हो, चाहे तो पोस्टेड चिट पे स्टिक करके रख दो, या आपके अलग अलग एरिया है, अलग अलग रूम से वहां पे स्टिक करके रख दो, जिससे कि ये आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपको जो है खुद की तरफ भी ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा है, फ्रेश एयर लेना है, एक्सरसाइज, देन ओवरऑल जो आप शेड्यूल आपका है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं वो रेगुलर करो, कहीं पे भी मिस आउट मत करो। सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखो, जब आप खुद फ्रेश एंड परफेक्ट रहोगे तब आप दूसरों की हेल्प कर सकोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कृष्ण की जो बांसुरी बजाते हैं, तो वो बांसुरी अंदर से हॉलो रहती है, जब तक के वो हॉलो रहेगी तब तक के उसमें जो है कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं अलग अलग जो होल्स है उनको यूज करके, यदि उसमें कहीं पे भी कचरा आ जाएगा तो वो बांसुरी मधुर नहीं रहेगी। सेम वे हमें हमारे सोल को उसी तरह से रीजनरेटेड रखना है, जिससे कि हम कृष्ण की बांसुरी की तरह हॉलो एंड एम्प्टी रहे, एंड वो अपना गीत हमारे थ्रू लोगों तक के फैला सके। और इसे यूज करने का तरीका सेम है, आप पाम में फ्रंट बैक कहीं पे भी यूज करिए, बॉडी के लेफ्ट साइड यूज करिए, या फिर पेपर पे दूसरे सिंबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, या अलोन ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। आप वॉल पे स्टिक करके रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, या फिर क्लॉथ पे पेंट करके भी रख सकते हैं। थैंक यू।